नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शाइनिंग इंडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर या भाभरा कस्बे की जानकारी के बारे में। वीडियो में देखिए आखिर कैसा है महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म स्थान। दोस्तों, वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे नगर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का चंद्रशेखर आजाद नगर कुछ खास है, क्योंकि इस नगर में एक ऐसे महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया जिन्होंने अपने रक्त की आखिरी बूंद तक मातृभूमि को समर्पित कर दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी की। सन 1906 में इसी नगर के छोटे से घर में उनका जन्म हुआ था। उस समय यह संपूर्ण क्षेत्र ब्रिटिश सेंट्रल एजेंसी का हिस्सा था और भाभरा नगर अलीराजपुर स्टेट के अंतर्गत आता था। चंद्रशेखर आजाद जी की माताजी का नाम जगरानी देवी और पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी जी है। आप आज भी भाभरा में उनकी यादों को सहेजता हुआ पाएंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी की महानता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि भाभरा के घरों में और दुकानों में आज भी उनके चित्र की पूजा की जाती है। उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है और पूजना भी चाहिए, क्योंकि वे सभी महान क्रांतिकारी थे, इसलिए हम आज आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, वरना आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। दोस्तों, इस नगर में आपको आजाद जी का जन्म स्थान देखने को मिलेगा। इसी नगर के पवित्र गलियों में कभी आजाद जी ने अपना बचपन गुजारा था। हमें गर्व है ऐसे महान नगर पर जहां हमें आज़ादी दिलाने वाले महान और वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने जन्म लिया और संपूर्ण क्षेत्र को गर्वित कर दिया। दोस्तों, ये महान नगर प्रतीक है शौर्यता और वीरता का। ये महान नगर प्रतीक है गौरवशीलता का। दोस्तों, इस महान नगर पर और चंद्रशेखर आजाद जी पर न सिर्फ हमें बल्कि संपूर्ण देश को गर्व है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, एक बार जरूर दर्शन कीजिए इस महान नगर के और गर्व करते रहिए अपने आप पर कि आप उस हिंदुस्तान की संतान हैं जहां पर महान और वीर क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भाभरा, चंद्रशेखर आजाद जी की जय।